अफनान को अब असल में समझ आने वाली है कि आखिर अलीज़े उसका क्या हशर करने वाली है, क्योंकि अब उसका असल पाला पड़ा है अलीज़े से, क्योंकि अब वो जान चुका है कि ये अलीज़े उसका जीना महाल कर देगी। हर बात पर उसको टोक देती है और हर बात पर उसको जलील करने की कोशिश करती है, और वो सिर्फ खामोश हो जाता है इसी वजह से कि कोई तमाशा ना बने। खैर, अब देखेंगे कि बेहद परेशान हो चुका है अफनान के आखिर वो कब तक इसकी ये बदतमीजियाँ बर्दाश्त करता रहेगा। वो उसको प्यार से समझाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन बहुत जल्द ही इस बर्दाश्त का पैमाना जो है ख़त्म होने वाला है और सारा कुछ खुल के सामने आने वाला है, क्योंकि अपने मुँह से ही वो बोलेगा कि तुम्हारा और रमचा के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। फिर जाकर यह सारी हकीकत खुल जाएगी और सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा कि आखिर असल हकीकत है क्या, कौन क्या है और कौन क्या नहीं है। फिर जाके अफनान खुद ही अपने मुंह से हर चीज का इजहार करता फिरेगा।